छह चक्रों को पार करके हमें पूर्ण संतुलन में लाकर हमें आनंद की स्थिति एक बार करके वो नीचे न चली जाए। आप लोगों का ये हार्दिक स्वागत दे करके हृदय आनंद से भर आता और समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ और क्या न कहूँ। आप न जागने कितनी जगह बैठे हैं, मैं तब से देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ सब लोग बैठे हैं। शायद इस स्टेडियम में पहली मर्तबा आई हूँ और आप लोग इतने बिखरे बिखरे बैठे हैं। आपसे आज के मौके पर क्या कहना चाहिए और क्या बताना चाहिए यही समझ में नहीं आता कि आप लोग अधिकतर सहयोगी हैं और जो नहीं भी है वो भी हो ही जाएंगे। हर बार ऐसा ही होता है जीवन में। सहयोग प्राप्त होना एक जमाने में बड़ी कठिन चीज थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब तो बहुत सहज में ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है और सहज में ही आप उस स्थान को प्राप्त कर सकते। जो कहा जाता है कि आप ही के अंदर आत्मा का वास और आप ही के अंदर वो चमत्कार होना चाहिए जिससे आपको अपने आत्मा से परिचित किया जा सकता है। ये चीज एक जमाने में बड़ी कठिन थी। हजारों वर्ष की तपश्चर्या, जंगलों में घूमना, ऋषियों मुनियों की सेवा, उसके फलस्वरूप कुछ लोग, बहुत कुछ लोग इसे प्राप्त करते थे।
पर आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि अगर मनुष्य को ये गति नहीं मिली तो न जाने वो किस ठौर उतरेगा, उसका क्या हाल हो। शायद इसीलिए इस कलयुग में भी ये सहज योग इतना गतिमान है। इसमें तो आप लोगों का भी योगदान है। हजारों सहयोगी हो गए और सब लोग आपको खुद पार करा सकते हैं। एक इतना बड़ा कार्य हो गया क्योंकि मेरे अकेले के बस का इतना था क्या, लेकिन इसको संवारा है आपने, इसको उठाया है आपने और इसके लिए मेहनत की है आपने। मैं आपको कितना धन्यवाद दूँ ये मैं नहीं सोच पाती। कितनी बड़ी बात है कि इस दुनिया में हजारों लोग नवीन जीवन को प्राप्त कर गए और उनके अंदर एक नई रोशनी आ गई। कोई समझ भी नहीं सकता, कोई मान भी नहीं सकता कि ऐसा घटित हो सकता है, पर हो गया। सर्व जाति सर्व तरह के लोग इन्होंने इसे प्राप्त, उसके लिए कोई वर्ग विशेष नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, पता नहीं हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन बाहर भी हजारों लोग इसको प्राप्त कर गए। और हमें बहुत से लोगों को ये देना होगा। अपने देश की जो समस्याएं थी वो सब इससे नष्ट हो जाएंगे। जिस चीज ने इसे प्राप्त किया है उनके सारी समस्याएं दूर हो गई। नई दृष्टि पाली उन्होंने और ऐसा संयोग है कि इसको पाकर के वो लोग भी अब कार्यान्वित। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कार्य होना था और वो हो गया, पर इस कदर उसके प्रबलता आ गई ये कभी सोचा भी नहीं। सिर्फ यही कहना है कि जिन्होंने इसे प्राप्त किया वो इसे अपने पास छिपा कर ना रखे, औरों पे भी बांटे, औरों को भी दें, देने से और भी आनंद बढ़ेगा, देने से इसका स्विक्स द्विगुणित हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। ये अपने पास रखने की चीज नहीं है, ये बांटने की चीज है और बांट कर ही इसका मजा आएगा। आशा है आप सब लोग इसे बांट कर उसका आनंद उठाए। हमने तो बहुत वर्ष मेहनत की है हिंदुस्तान में और बाहर में, इतनी मेहनत की है, अब उससे भी ज्यादा आप लोगों को करना होगा, तभी इस दुनिया का अज्ञान नष्ट होगा। बड़े भारे अज्ञान में डूबा है, आज कहीं ये गड़बड़ है तो कल वहाँ गड़बड़। इसको ठीक करने के लिए
आपको भी सज्ज हो जाना चाहिए। और जिन्होंने इसको प्राप्त किया है उनको इसे और भी फैलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। किसी भी बहाने से आप क्षुब्ध नहीं होना, आप शांत मत बैठना। कोई ऐसी दुविधा नहीं है कि आप इसे फैला नहीं सकते। इसमें जितनी शक्ति है वही आपके अंदर कार्यान्वित होगी और उसी से आप लोगों को प्लावित करेंगे। हमारे लिए तो दिल्ली में इतना कार होना बहुत बड़ी चीज़ है। याद है जब हम दिल्ली में शुरू शुरू में आए थे तो लोगों को कोई समझ ही नहीं थी और हमारे लिए वो अब समझ के अनुसार ही चलते थे। धीरे धीरे समझ गए और धीरे धीरे उन्होंने हर एक चीज का संतुलन प्राप्त किया। अनुभव से वो समझ गए कि मनुष्य के अंदर के क्या दुर्बलता है, क्या तकलीफ है और इसके लिए वो धीरे धीरे शिक्षित हो गए। इतना सहयोगियों के पास ज्ञान आ गया, बड़े ज्ञानी हो गए। लोग बताते हैं माँ इनके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से है, अंदर से ही आया है इनके अंदर, इनके अंदर ही ये ज्ञान आ गया है और कहाँ से आया। इस प्रकार अपने ही अंदर जो परम तत्व आत्मा का है उसका ये प्रादुर्भाव है, वो प्रकटीकरण है जिससे लोग जानते हैं सच क्या है और आगे क्या करना। हमसे जितना बन पड़ा हमने हर एक चीज को समझाया और देखती हूँ कि लोग बड़े आसानी से इसको आत्मसात करते हैं। देहाती में भी जहाँ लोग खास पढ़े लिखे नहीं होते उन्होंने भी सहयोग इतने अच्छे से सीखा, इतना अच्छे से समझा और इतना अच्छे से समझाते हैं कि मैं खुद हैरान हूँ इनके तौर तरीके देख करके। दिल्ली वालों ने तो कमाल की हुई है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई आपस में कोई भी किसी तरह का मन मुटाव नहीं, बहुत खुले दिमाग के लोग। और इनके साथ जितना हमसे बन पड़ा हमने समय बिताया था, अब तो नहीं इतना होता। और देखती हूँ कि ये लोग कितने होशियार होगा, अपने हाथ से काम करके ये समझ गए हैं सहयोग क्या है और उसको इन्होंने एक महायोग के चरम सीमा के पहुंचा दिया। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने सर्वसाधारण लोग हैं और इस कदर जानते हैं और समझते हैं
बहुत से लोग तो अनपढ़ पर इतने होशियार और इतने समझदार हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है, ये किस तरह ये सब समझ गए और ये किस तरह इस कार्य को करते हैं। अब भी हमें कुछ और मोर्चे निकालने हो, एक तो हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए, देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए, देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, इन सब के बारे में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए, लेकिन कुछ ऐसी हमारे ऊपर अवकृपा हुई है, फॉरेन से हमारे ऊपर इतने लोग आए, उनके कारण हम लोग दिल खोल कर सबसे कुछ बात करना, लेकिन ज़रूरी है कि अब बताया जाए। परदेश में भी लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या जाप्ती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप और लोगों से नफरत करें या दुष्टता करें, पर यह है कि आप समझ लें कि किस तकलीफ से यहाँ पर लोग गुजरे हैं, क्या क्या आफतें लेकर उन्होंने ज़िंदगी काटी। अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो आपको पता होगा कि हमारा देश कितना महान है और कितने बड़े बवंडर से निकला है। उसका जब आपको पता होगा तो आपको भी अपने देश पर बड़ा गर्व होगा और आप भी सोचेंगे कि क्या महान देश। फिर अपनी देश की संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसी संस्कृति कोई भी देश में नहीं है, मैं तो इतने देशों में घूमी हूँ। इस संस्कृति में सबकी इज्जत करना, सबको प्यार करना और देश को प्यार करना और बड़े 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 इनके आदर्श, उन आदर्शों पर चलना, उनको भुला कर हमारा कोई फायदा नहीं। यही नहीं तो पर इन्हीं को हमको और देशों में फैलाना है, हमारे देश के बारे में जो जो गलत फहमियाँ हैं वो हट जाएंगी और हम सबको बता सकते हैं कि अपना देश कितना महान है, हम लोगों की अच्छाइयाँ जो हैं सामने आनी चाहिए, उससे लोग समझ जाएंगे कि हमारा देश कितना महान है। आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप अपने देश के प्रति अत्यंत श्रद्धामय रहे और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, जो सच्चाई पर खड़े रहे और जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राण तक दे दिए, ऐसे सब वीर महात्मा लोगों को आप लोगों को जानना चाहिए। सहयोग का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इस देश की जो
महानता है वो आप जाने, पर इस देश की जो परंपराएं हैं उसको भी समझे और यहाँ की संस्कृति को भी आप अपनाएं। आजकल तो कुछ ऐसा ज़माना चला है कि हम लोग विदेशी परदेसी चीज़ों को पसंद करने लग गए और उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े। इससे कितना नुकसान हुआ है हम लोगों को, इससे कितनी हमने परेशानी उठाई है। अपने देश की महानता, उसके गौरव को समझें और वही हमारे जीवन में भी और औरों के जीवन में भी देखना चाहिए। ये तो कमाल के परंपराएं हैं, उससे दूर भागने से हम सत्य से दूर भाग रहे हैं। हम लोग सत्य पे खड़े रहे और इसीलिए हमें काफी विपत्तियां उठानी पड़ी, तो माननी चाहिए बात। पर जो आदमी सत्य पे टिका है वो तो अमर है, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो वंदनीय है, वो पूजनीय है और उसके जैसे बनना एक बड़ी भारी बात है। ऐसे हजारों चरित्र इस देश में हो गए, लेकिन हम लोग अभी अपने देश को पहचानते नहीं और उसके आभूषण बनने की जगह हम दूसरे देशों की नकलें करते हैं। सहयोगियों को शोभा नहीं देते और सहयोग करते भी नहीं, मुझे मालूम है। पर औरों को भी बताना चाहिए कि हमारे चीज़ में किस कदर इस देश में देशाभिमान है, स्वयं का अभिमान है और हर तरह की आदर्श जीवन की रेखाएं। धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये बात आ जाएगी। अब सहयोगी इतने हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, वो लोग स्वयं ही इसको कर लेंगे। मुझे आपसे अगर कुछ कहना है तो यही कि आप अगर सहयोगी हैं तो आपकी जीवन की पद्धति भी वैसी होनी चाहिए और दूसरे आपकी जीवन प्रणाली भी वैसी होनी चाहिए। जैसे एक आदर्श हिंदुस्तानी की होती है, उसके लिए ये बात नहीं कि आप कौन सी जाति के हैं या कुछ धर्म के, एक ही बात है कि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी का धर्म यही है कि वो हिंदुस्तान के शोभा बने और उसी में रममाण रहे। यहाँ के हर एक चीज़ में आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ का संगीत, यहाँ की कला, यहाँ का शिल्पकला और आर्किटेक्चर आदि सभी चीज़ें इतनी बढ़िया थी
अब तो कुछ भी नहीं बन पाते, चलो न भी बने लेकिन उनको समझना तो चाहिए, उनको देखना तो चाहिए। ये बात हिंदुस्तानियों में आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि देश में कितना महान कार्य हो चुका, और हम भी कुछ ऐसे कार्य करें जिससे इस देश की शोभा बढ़े। न जाने कितनी चीजें ऐसी जो सहयोगियों के लिए करना होगी और करते हैं, उनका जीवन बहुत सुंदर हो गया, घर बाहर हर जगह, और लोग बहुत तारीफ करते हैं कि सहयोगियों का जीवन इतना सुंदर कैसे हो गया। एक तो आत्मा का आशीर्वाद और दूसरे वो सूक्ष्म दृष्टि जिसे आप अच्छाई को पहचानते, अच्छाई को जानते हैं। जब तक वो दृष्टि नहीं आएगी तब तक आप सहयोगी नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं सोच रही थी कि आज बहुत से लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने अपना आत्मा ही देखा नहीं, उनके लिए ज़रूरी है कि उसका भी एक सेशन करा जाए। हम कहेंगे अभी तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, इतने लोग कहाँ कहाँ बैठे। इसमें से जितने लोग सहयोगी नहीं हैं वे लोग हाथ ऊपर करें, जो नहीं है बहुत से लोग हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूंगी किसी तरह से हो सके तो इस सामने में आ जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। अग्रवाल साहब, जो सहयोगी नहीं है उनको इधर बुलाइए ना सामने, जान दो, हजारों को आने तो आ जाएंगे, वो ठीक है जगह। इधर नहीं, यहाँ नहीं आ सकते क्या? क्या लाल वाली चेयर पे बिठा दो। कृपा करके जो लोग सहज योगी नहीं हैं वो इन लाल वाली चेयर्स पे आके बैठ जाएं, नज़दीक आ जाएंगे, और इधर ग्रीन चेयर्स पे भी आएंगे। भागा दौड़ी नहीं करें, बड़े आराम से वहाँ बैठे भी नहीं हैं आप लोग, वहाँ बैठना मना है, उसको नहीं खोलें आप उधर से। तो मना कैसे है? कृपा करके वहाँ से नहीं खोलें। नेहरू स्टेडियम जो बैरिकेड लगा है उसको क्रॉस करके मत आइए। आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ करके बैठे,
इस तरह हाथ करके बैठे, बात मत करिए, शांतिपूर्वक। और आंख बंद कर लें, प्लीज क्लोज योर आईज। आंख बंद करिए, दोनों हाथ मेरे तरफ और आंख बंद करिए। और अब कहिए आंख बंद करके, कृष्णी माता जी हमको कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। धीरे, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं। मन में कहिए, मन में, अब देखिए कि आपके हाथ में आंख बंद रखें, ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही या गरम गरम भी आ रही होगी? अगर आ रही हो तो हमारी ओर राइट हैंड करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखें कि सर में से तो नहीं आ रही ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आप में सर में आ रही क्या ठंडी ठंडी हवा। अब राइट हैंड हमारी ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर में कहीं ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही सर से, तालू से। हाथ उठाइए, हाथ को ऊपर रखिए, सर पे नहीं हाथ रखने का, सर पे नहीं, ऊपर, सर से ऊपर। अरे गरम आ रही, अच्छा आ जाएगी ठंडी, और रखे रहो, ऊपर रखो हाथ। आ रही ठंडी, गरम बात इसलिए है
कि अभी आपके अंदर ठंडक नहीं आई। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड से करें, आंख बंद रखें। अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर और लेफ्ट हैंड से देखी, हाँ अब बहुतों को आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर और आंखें खोल कर देखी, आ रही ठंडक दोनों हाथों में, आ रही है ना, जितनों के आ रही वो पार हो गए, अनंत आशीर्वाद। जिनको नहीं आई है वो हमारे आश्रम में आए, वहां पर हो जाएंगे पार, आप सब हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है आप लोगों को, इतने लोगों के हाथ में ठंडक, सबको अनंत आशीर्वाद है हमारा। इसमें से आपके कोई गुरु है क्या? आपके गुरु है कोई? है, है। आपके नहीं है। वही तो गड़बड़ है। कौन है गुरु? नहीं गुरु, कुछ लोगों के है कुछ के नहीं, पण झाले का पार? काय म्हणे पार झाले? आपके जानकारी के लिए दिल्ली शहर के अंदर 26 सेंटर से अलग अलग एरिया में आसपास गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ भी सेंटर्स है, इन सभी की लिस्टें आपको बांटी जाएगी उधर जाते समय। तो जिसके घर के पास जो सेंटर है आप कृपया वहाँ जाइए, जिसको आज यहाँ महसूस नहीं हुआ है आप वहाँ जाइए, हमारे सारे सहयोगी उस सेंटर में आपको मदद करेंगे और आपको अवश्य ठंडक आप जान जाएंगे। और ये सारे सेंटर्स अलग अलग दिन शाम को होते हैं, ये सब लिस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आज के बाद इस प्रोग्राम के फॉलोअप के कारण कल और परसों हमारे जितने भी सेंटर्स हैं सभी जगह कल और परसों प्रोग्राम्स होंगे, तो कृपया आप वहाँ अवश्य जाइए। सारे सेंटर शाम को करीबन 6:30 बजे।
है मैंने गड़बड़ी में चैन गिली, अब वो हम क्या करें, मिल जाएगा बेटे, आप शांत बैठे, मिल जाएगी। जिन्होंने भी इनकी चेन ली दे दीजिए, नुकसान होगा आपको, कृपया चेन वापस दे दीजिए। दोनों की गए आपके, दोनों की, तो आप दोनों ऐसे इधर आइए, हमारे वॉलंटियर्स आपको हेल्प करेंगे। कृपया आपको अगर कहीं चेन नजर आई तो हमारे वॉलंटियर्स को दीजिए, वॉलंटियर्स इनको चेन ला के दे देंगे। तो कल और परसों आप हमारे जो केंद्र, ध्यान केंद्र हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। स्पेशल फॉलो प्रोग्राम कल और परसों के लिए रखा है। ऐसा आज तक सहयोग में हुआ नहीं साला। अब एक भजन होने वाला है, आप लोग सब तालियां बजाइए। महामाया महाकाली जैसे राम वाली भवानी निर्मल माधव, महामाया महाकाली जैसे राम वाली भवानी निर्मल माधव, निर्मल माधव निर्मल माधव निर्मल माधव निर्मल महाकाली जैसे राम वाली भवानी निर्मल माँ।
श्री माता जी के सभी बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि एक्साइट नहीं हो, बिल्कुल शांत हो जाएं। जो शांति और अनुभूति श्री माता जी ने दी है, जो ध्यान दिया है।